डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम शर्मा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर डॉक्टर न्यूज के तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जहां आज पूरे भारत वर्ष में नवरात्रि के शुभ अवसर पर पंडाल लगाए गए हैं, माँ दुर्गा का स्थापना किया गया है। उन्हीं स्थापनों में से एक स्थापना इस बरगदवा में है। सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूँ और दिखाता हूँ चल के कि माँ दुर्गा का क्या स्थापना और कैसे किया गया है। वहाँ के श्रद्धालुओं का क्या श्रद्धा है, कैसे उनके विनम्र से उनकी स्थापना करके उनकी पूजन करके लोगों ने अपनी श्रद्धा को प्रकट सोच के अपने दिल से प्रकट कर श्रद्धालुओं के प्रति क्या श्रद्धा है इनके प्रति, या किस तरह के ये श्रद्धा देंगे और श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे इस नवरात्रि में, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस नवरात्रि में 9 दिनों में 9 रूपों को अलग अलग पूजा जाता है देवियों को। उसी नवरात्रि में एक दिन आज सिद्धदात्री का दिन है, जो सभी सिद्धियों को सिद्ध करती हैं माँ। और उपस्थित हमारे जो व्यवस्थापक हैं इस पंडाल के, महोदय आपका क्या नाम है, कैसे यहाँ किस तरह के माता जी का स्थापना किए हैं, क्या करके किस परिस्थितियों में किस प्रकट किए हैं, कि आपने भक्तों को और अपने श्रद्धालुओं के प्रति क्या श्रद्धा है आप प्रकट। नाम हमारा प्रजापति है और मैं लोहिया नगर से हूँ, बिचलौल से। हर साल मैं करता हूँ, आज से नहीं, मैं 12 साल से, लगभग 12 साल हो गया है। और यहाँ पे खुद पैसा लगा के मैं खुद अपना ही करता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हर साल माता जी आएँ और माता जी के नाम पे, और मैं चाहता हूँ और अच्छा हो। ये कितने दिनों से आप माता जी को रख रहे हैं? आज हो गया लमसम, आज 5 साल से तो माता जी को रख रहे हैं। पूजन तो हमारा 12 साल से चल रहा है, पूजन 12 साल से चल रहा है और 5 साल से हम माता जी का स्थापना करते हैं। पूजन करते करते जैसे हमारा इच्छा हुआ। व्यक्तिगत तो रखते हैं, कोई चंदा नहीं लगाते? नहीं नहीं, व्यक्तिगत है, कोई चंदा नहीं है। देखिए इनका कितनी बड़ी श्रद्धा है इनके प्रति, माता जी को व्यक्तिगत रखते हैं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई चंदा नहीं लगाते, और श्रद्धा के भाव के साथ इन्होंने सबको श्रद्धालुओं को और दिखाना चाहते हैं लोगों के कि क्या हमारे प्रति श्रद्धा है, लोगों के प्रति या माता के प्रति क्या हमारी मनोकामना, क्या सोच के आपने रखा, क्या मनोकामना आपकी? मनोकामना तो कुछ ऐसी नहीं है, माता जी का तो मनोकामना को सब कोई जानता है कि अनंत है, कि माता जी जैसे देती हैं तो अपार ही देती हैं। जैसे हम लोग 12 साल से कर रहे थे, पहले पूजन करा रहे थे, वैसे ऑटोमेटिक चमत्कार हो गया, करते रहे हम लोग। माता जी को भी घर पे ला दिए और आज 5 साल से माता जी को भी रखते हैं, और माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो हर साल रखेंगे हम लोग। और आप लोग तो जान ही चुके हैं इन्होंने क्या कहा है, और चलते हैं इनके और भी सहयोगी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके प्रति क्या भक्तों को क्या श्रद्धा है। हमारे प्रति तो सब भक्तों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी बात यह है कि हम लोग अपनी श्रद्धा से माता जी को रखते हैं और माता जी की कृपा हमारे पे बने रहे, इसीलिए हम लोग हर साल ऐसा काम करते हैं, मूर्ति रखते हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार प्रजापति है जी, मैं वार्ड नंबर 11 लोहिया नगर से बोलता हूँ जी। हम लोग ये हमारे भाई साहब हैं और मैं उनके बड़े भाई हूँ। ये हम लोग ये अपने घर का व्यवस्था करके रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि खजाना लेने से क्या फ़ायदा, अपने ही में अब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, इसीलिए हम लोग अपना माता जी हमको देती हैं। और कोई उनका कहना है कि हम व्यक्तिगत रखते हैं, कोई चंदा नहीं लगाते हैं, हम जो प्रयोग करते हैं। सही बात है, वो तो बात सही है कि हम लोग व्यक्तिगत अपना रखते हैं, कोई चंदा लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, माता जी जैसी रहती हैं वैसे हम लोग करते हैं। और 12 साल से आप लोग पूजन कराते हैं, श्रद्धा भाव से सबकी मनोकामना बनाए रखें और इनको भी जो इनका मनोकामना हो पूरा करें माँ। देखिए दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। जयकारा इन्होंने लगाया और सभी सहयोगियों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉग टाइम्स पे बने रहिए हमेशा लाइव के साथ, और हम दिखाएंगे सभी लोग जो लाइक और शेयर ना किए हैं वो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे डॉग टाइम न्यूज़ पे हमेशा बने रहें। हर लाइव को लेकर आ रहा है डॉग टाइम न्यूज़, और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला
चलता रहेगा।